ओम शांति। आज का प्रश्न है, मेरा नाम मोनिका है, मैं बाबा के ज्ञान में 2 मंथ से हूँ। मुझे अब बस एक ही धुन लगी रहती है कि मुझे बाबा का बनना है, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, पर घर वाले इसके खिलाफ हैं। बोलते हैं, हमने तुमको गरीब होते हुए भी पढ़ाया लिखाया है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की ताकि तुम गवर्नमेंट टीचर बन सको, और तुम इस सब को छोड़ने की बात कर रही हो। हमसे समाज कहेगा कि शादी के खर्चे की वजह से ओम शांति में ब्रह्मा कुमारी बना दिया, हमें दुनिया बोलने नहीं देगी। अब इस स्थिति में मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है, जिससे मेरे घर वाले भी मेरी ब्रह्मा कुमारी बनने के फैसले को स्वीकार लेंगे और दुनिया भी उनसे कुछ नहीं बोल पाएगी। लेकिन पढ़ाई करने की वजह से मेरा अमृत वेला छूट जाता है, क्योंकि मेरा 40 दिन के बाद टीचर का एग्ज़ाम है, जिससे मुझे 12-1 बजे तक रात को पढ़ना पड़ता है और 5 बजे जागना होता है घर का काम करने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती है। सो इस वजह से मेरा अमृत वेला मिस हो जाता है, और इस सब से निकालने के लिए मेरा नौकरी करना भी बहुत ज़रूरी है। अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? कभी कभी मुझे ये भी ख्याल आता है कि अगर मैं नौकरी नहीं लग पाई तो ये मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने नहीं देंगे, और मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना ही है, क्योंकि बाबा के अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ गाइड करें। उत्तर है, देखिए, ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सेंटर पर ही समर्पित हों। घर में रहकर भी ब्रह्मा कुमारी बना जा सकता है। ब्रह्मा कुमारी का अर्थ ही है ब्रह्मा के बच्चे, फिर वो चाहे सेंटर पर रहें या घर पे। क्योंकि समर्पित होना माना तन मन धन से अपने जीवन की डोर शिव बाबा को सौंप देना। आप घर में रहें, जॉब करें और साथ साथ श्रीमत का पालन करें। जब आप खुद कमाने लगेंगे तो आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी, और गरीबी के कारण ब्रह्मा कुमारी बनने वाले ताने से भी आप मुक्त हो सकेंगे। यदि फिर भी आपको लगता है कि सेंटर पर जाकर ही समर्पित होना है, तो इसके लिए आप अपने सेंटर की दीदी से बात करें। आप अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से कीजिए, और साथ ही अमृत वेला योग कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही वो वक्त है जब खुदा खुद चलकर आपके पास आता है। उसी वक्त हम अपने अंदर खूब शक्ति भरते हैं। अमृत वेला योग करने से आपकी बंद बुद्धि इस तरह खुल जाती है कि कम समय में भी आप ज्यादा पढ़ाई करने के लिए सक्षम होंगे। रात को जल्दी सो जाएं। पढ़ाई बुद्धि के अंदर तक तभी जाती है जब बुद्धि फ्रेश होती है। यह कभी ना सोचें कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब ना लगी तो। इस तरह के विचार हमें नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं और हमारे लक्ष्य को हमसे दूर करते हैं। तो लक्ष्य को हमेशा अपने नज़दीक रखें और पॉजिटिव रहें। ओम शांति।